स्वागत है। ब्रेक के बाद बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सर्वे के लिए पहुंची एसआई की टीम। कुछ देर बाद ज्ञानवापी में शुरू होगा सर्वे। कल पश्चिमी दीवार पर सर्वे हुआ, कल तक डीजीपीएस मशीन का इस्तेमाल हुआ, विष्णु जैन का ये बयान। कल पश्चिमी दीवार पर सर्वे हुआ, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर, इस वक्त सर्वे के लिए एसआई की टीम पहुंची है। कुछ देर बाद परिसर में सर्वे एक बार फिर शुरू होगा। मेरे हिसाब से आज फोर्थ डे है, क्योंकि पहले दिन एक सर्वे हुआ था, फिर दूसरे दिन का सर्वे हुआ, कल तीसरे दिन का था और आज चौथे दिन का सर्वे चल रहा है। तो आज भी देखते हैं, अभी मैं जाके मुझे पता चलेगा कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं। पर कल तक तो डीजीपीएस मशीन का यूज किया गया था और उस पूरे एरिया की टोपोग्राफी को समझने के लिए डीजीपीएस मशीन का उपयोग किया जाता है। लैंड सर्वे में हमेशा ये कारगर होती है और एडवांस टेक्नोलॉजी है जीपीएस सर्वे से भी, इसलिए उसको भी इसको यूज किया गया। देखिए, जो तहखाना एक था, जो जैसे ही आप बैरिकेडिंग के अंदर घुसते हैं तो एक राइट साइड में तहखाना है, वो तहखाना बनता है, उसको भी खोला गया। दो तहखाने हैं, एक व्यास जी का तहखाना जिसका दरवाजा टूट चुका है, और एक मुस्लिम पक्ष के कब्जे में तहखाना था, उसको भी खोला गया और वहां पे भी स्टडी और सर्वे का काम चल रहा है। तो यहां पर सर्वे का काम लगातार चल रहा है। सर्वे के लिए एएसआई की टीम वहां पर पहुंची है। कुछ देर बाद परिसर में सर्वे शुरू होगा। कल पश्चिमी दीवार पर सर्वे हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक है आज। मानसून सत्र से पहले यह मीटिंग होगी। आज शाम 5 बजे लोकभवन में बैठक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। संगठन महामंत्री धर्मपाल भी शामिल होंगे। आज शाम 5 बजे लोकभवन में यह बैठक है। मानसून सत्र से पहले यह मीटिंग होनी है। शाम 5 बजे लोकभवन में बैठक होगी। सीएम योगी और भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सात अगस्त से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। मानसून सत्र को लेकर आज कार्यमंत्रणा समिति और सर्वदलीय बैठक होगी। बैठक में सत्र के एजेंडों पर मंथन होगा। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक विधानसभा में सुबह 11 बजे होगी, जबकि सर्वदलीय बैठक 12:45 पर होगी। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेता शामिल होंगे। साथ ही आज की सीएम योगी विधानसभा डिजिटल गैलरी का उद्घाटन और पटेल कार्यालय का लोकार्पण करेंगे। विधानसभा के मानसून सत्र में हिस्सा लेने जब विधायक विधान भवन आएंगे तो उन्हें बदला हुआ नजारा दिखेगा। विधान भवन के पहले तल पर ही उन्हें डिजिटल कॉरिडोर दिखेगा। इसमें सदन की तमाम गतिविधियों और विधानसभा का इतिहास लाइव दिखेगा।